तो 24 की शुरुआत, सवाल बड़ा है, आखिरकार मंदिर पर क्यों आघात? बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और हर्षवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहती हूं कि चाहे मनुवाद का मामला हो, सावित्रीबाई फुले का मामला हो, सब बहाने नजर आते हैं यहां पर, निशाने पर सीधे सीधे मंदिर, लेकिन इसकी वजह आपकी नजर में क्या है? ये मामला आस्था से, भगवान से नफरत का ज्यादा नजर आता है, या फिर ये विपक्ष की बेबसी और नाकामी दिखाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इस मुद्दे के जोर पर वो चुनावी राजनीति में पिछड़ रहा है? देखिए रुमाना जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत भ्रम की अवस्था नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े अधिकारी से अभी कुछ दिनों पहले मिलना हुआ, तो उन्होंने अभी एक बात कही है और देश को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि राम के मंदिर पर किसी भी तरह से मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, किसी की ठेकेदारी, किसी राजनीतिक दल, किसी का ये कोई किसी की ठेकेदारी नहीं, राम सबके हैं। लेकिन ये तो सबको पता है ना कि राम सिंखचों में बरसों रहे तो क्यों रहे। सही। और ये भी सच है कि कणकण में राम है, रोम रोम में राम है, हमारे घर में है, जिसके मतलब हर किसी के घर में है। सही बात। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल ये है कि सारे संदर्भ अयोध्या के रामलला विराजमान के मंदिर के वक्त क्यों आते हैं? सवाल ये है कि इसके साथ कोई मनुवाद देखता है, कोई मानसिक गुलामी देखता है, किसी को कुछ और नजर में आता है, और कुछ लोगों की नानी तो बहुत दुखी होती थी कि भैया जहां तोड़ दिया वहां क्यों जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे संदर्भ लोगों के सामने अनायास विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे चित्रित हो जा रहे हैं। और क्या ये कोई जानता नहीं है? ये कोई छिपी हुई बात है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, रामराज, अरे उदित राज जी, रामराज जी इनका पहले नाम था, इन्होंने अपना नाम बदल लिया इनकी इच्छा। लेकिन देखिए, उदित राज जी सांसद भी तब बने जब राम के नाम वाली पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद बन पाए, उसके बाद फिर दोबारा नहीं बन पाए। तो ये खैर इनकी इच्छा है, जनता की अपनी इच्छा थी। जब राम वाली पार्टी में ये थे तो ये सांसद बन गए, जब फिर से पार्टी बदल ली तो फिर सांसद नहीं बन पाए, तो जनता ने भी अपनी इच्छा दिखाई। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, जो राजनीतिक परिणाम होने वाले हैं, वो जनता देख रही है उनका व्यवहार, और उसी के आधार पर तय करेगी, वो परिणाम बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आए। उदित राज जी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय हो ही नहीं सकती है ना, कि चाल, चरित्र, चेहरे के मामले में यहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर बीजेपी लगातार स्पष्ट रूप से इस आंदोलन के साथ आकर खड़ी हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1989 पालमपुर वाला जो अधिवेशन था उससे बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाला, और जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे, 2014 में जब आप भी जीते थे बीजेपी के टिकट पर, तब भी मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था मुद्दा। तो अब जबकि ये सपना साकार हो रहा है जो जन आंदोलन के साथ बीजेपी ने मुहिम के तौर पर लोगों के साथ मिलकर लड़ा, तो जाहिर सी बात है सर, उसकी उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना, तो फिर बाकी परेशानी इतनी क्यों है पार्टियों को? परेशानी किसी को नहीं है रोमाना जी। हर्षवर्धन जी ने कहा कि रामपाली पार्टी से जीत के आए, तो यह भी मैं बता दूं कि जो वर्ग बीजेपी को बहुत कम वोट देता था 2014 में बढ़ चढ़ करके दिया, मैं तो कारण था ही, रामविलास पासवान जी भी कारण बने, तो कोई मुफ्त में हमें नहीं मिला, ये लेना देना राजनीति में होता है। अब सर इसका तो पलट कर जवाब ये दिया जाएगा कि 2019 में उस वर्ग ने और बढ़ चढ़ कर वोट दिया बीजेपी को, ये बीजेपी कहेगी ना, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया बीच में, तब आप बीजेपी के साथ नहीं थे। आई नहीं नहीं, इसके पीछे जाना पड़ेगा ना, 2009-2014 जिसको अछूत मानते थे उसके पीछे जाना पड़ेगा, तब आप क्या जवाब देंगे। तो जो मेरी बात है सच है। दूसरी बात है कि भव्य मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, कांग्रेस पार्टी को खुशी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्यों दिक्कत होगी भाई। और दिक्कत कुछ इस बात का है कि निमंत्रण बाँट रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों निमंत्रण बाँट रहे हैं? कण कण में भगवान है, या आप एक तरफ पेटेंट भी करा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो राजनीति इससे कोई है ही नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।